इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में, बने रहिए। आज के ब्लॉग बन रहा है इवनिंग से, इवनिंग हो रही है और इधर आरव की ब्लॉग चल रही है दोस्तों। अपना बना रहा है, अपना ब्लॉग बना रहा है और मैं थोड़ा नेल पेक लगा रही हूँ। काफी दिन से सोच रही थी लेकिन ग्रीन कलर देखिए मैं अभी लगाई हूँ, आज टाइम मिला है। तो रेड वाली थी उसको मैंने उतार के और ग्रीन वाली लगाई हूँ। इसमें डबल कोट अभी लगाना बाकी, मैं डबल कोट करके लगाती हूँ। पहला लगा के फिर डबल कोट लगा देते तो और तो अच्छा लगता है, शाइनिंग देता है फिर तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ग्रीन लगा रही थी। तो दोस्तों आप उसे ब्लॉग में बने रहिए आप सब। और आज दिन है संडे, जी संडे है तो अपना मजे कर रहा है आरव के मजे है। आरव अपना ब्लॉग बना रहा है इस फोन में, ये पुराना वाला फोन था तो ये पापा ने, तो इसमें आरव अपना ब्लॉग बना रहा है। देखिए आरव का भी ब्लॉग देखिएगा, बिना चैनल के ब्लॉग आप सभी देखिएगा। तो दोस्तों अब से बने रहिए और संडे को चलिए इवनिंग से अभी से मैं और नाइट तक के आप सब सबके साथ शेयर करूंगी मैं क्या क्या करती हूँ, क्या कैसे करती हूँ। और मम्मी मेरे लिए कुछ स्पेशल बनाने वाली आज, और आरव के पसंद के बनेगा आज। तो चलिए आप सब बने रहिए, अभी चलेंगे देखते हैं बाकी ये काम जो होगा उसके बाद में खाना बनाऊंगी। लग गया है दोस्तों नेल पेंट, मैंने लगा लिया, डबल कोट लगा लेते थे, देखिए कितना शाइनिंग देता है। मैं डबल कोट लगाती हूँ, देखिए मैंने लगा लिया, एक बार लगा के उसके ऊपर से दोबारा लगा देते हैं ना तो अच्छा लगता है, मतलब शाइनिंग थोड़ा ज़्यादा बनी रहती है। तो मैंने लगा लिया नेल पेंट, फाइनल हो गया है। 5 बज गई है तो MCD मोटर चला के देखती हूँ पानी आ रहा है या नहीं, कभी कभी पानी नहीं आता है। तो चलिए पहले मोटर चला के देखते हैं और बाहर के मौसम भी देखिए आज कितना बढ़िया है। बाहर मौसम के करना है, तो बाहर देखा दिया था, अभी धूप है, थोड़ा बाहर से धूप आ रही है तो इसलिए साफ से नहीं दिख रहा है। धूप आ रही है बाहर से तो देखिए ऐसे इधर कर रही हूँ तो साफ से नहीं दिख रही है, शाम होने वाली है अभी तो इसलिए नहीं दिख रहा है साफ से। तो चलिए मोटर चलाते हैं, देखती हूँ पानी आ रहा है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। आरव चेक करेगा पानी, उधर उधर उस वाले में देखो, मोटर वाला में नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रही है। आंटी आई थी तो अभी के शाम के बर्तन हो गई थी, ये देखिए आरव को इधर उधर चढ़ना बहुत पसंद है, शाम के बर्तन हो गया है, मैंने खाली करके यहाँ रख दिया और देखिए शाम के बर्तन करके आंटी चली गई है। पूरा किचन सफाई हो गया है, मोटर चलाई हूँ तो अभी पानी नहीं आ रहा है। और आरव को देखिए क्या ढूंढ रहा है, मिलने वाला नहीं कुछ, उसको पानी आएगा तो भर दूंगी ना, अभी पानी आएगा ना उसको चला के अच्छे से धोना पड़ेगा। आरव को इसमें के पानी बहुत पसंद है, इसमें पानी भर के रखती हूँ, ये वाला पानी आरव पीता है, इसमें गंदा पानी है इसमें, हाँ इसको साफ करके भरूंगी ना पानी, गंदा हो गया वैसे, पूरा साफ करके आज और गर्मी लग रही है, इसको बाद में धो के भर दूंगी आज। थोड़ी देर देखती हूँ पानी आ रहा है या नहीं आएगा तो मुझे सबर सबर चलाना पड़ेगा, अभी कभी आता है पानी कभी नहीं आता है, तो अभी देखती हूँ पानी आ रहा है या नहीं, थोड़ी देर चला के देखती हूँ। तो देखते हैं थोड़ी देर, चलिए तब तक बैठ जाती हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ, जो भी काम होगा तब तक मैं कर लेती हूँ। बाहर अभी थोड़ा थोड़ा धूप है और अंदर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बाहर थोड़ा थोड़ा धूप है, अभी शाम होने को है इसलिए। तो देख लिया हूँ आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया है, पानी नहीं आ रही अभी तो अब सबर सिबर चलाना पड़ेगा। तो चलिए मैं थोड़ा नीचे जाके सबर सिबर चला देती हूँ ताकि पानी आ जाए, फिर काम वो भी करना है। तो अभी मोटर चलाना है नीचे जाके, है तो यहाँ पे लॉक लेकिन एक नीचे है, नीचे जाना पड़ता है, तो मैं नीचे से मोटर चला के आ रही हूँ, तो अभी जाने में चला के आती हूँ। तो मोटर चला दिया हूँ, नीचे जाके चलाना पड़ा था, पानी आ रहा है, टंकी फिल होने देते हैं, तो तब तक थोड़ा चना खा लेते हैं बैठ के, इवनिंग स्नैक्स हो जाएगा, बच्चे भी खा लेते हैं, बच्चे को भी पसंद है चना, भुना हुआ चना है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो चलिए चना खा लेते हैं पहले। थोड़ा सा पहले चना खा लेते हैं सब, थोड़ा थोड़ा यही खा लेगा अभी सब चना, उसके बाद खाना जल्दी बना लूंगी, आज संडे है, कल स्कूल होता है तो जल्दी बना के खिला दूंगी, सो जाएंगे सब।
तो अरब अभी खाएगा, निधि अभी अंदर है, अरब खा के थोड़ा सा लॉन करेगा, इसको लॉन करने वाला होमवर्क मिला है, तो इसको खाते खाते अरब लॉन करेगा, बोर नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ, अच्छा लगता है खाना और सही है, हेल्दी होता है, इतना ऑयली नहीं है तो अच्छा लगता है। तो अभी खा के अरब लॉन कर लेता है और उसके बाद में किचन में जाऊंगी, किचन में काम करने के लिए जो भी काम होगा, खाना खुना। चना खाने के बाद मैंने फली कट करके रख लिया है और ये फली बनेगी आज, और उसके बाद अरब के लिए मटर पनीर खत्म हो गई थी तो फिर से मंगा लिया हूँ फिलहाल अभी के लिए, तो अभी ये बनाऊंगी और कभी देर के लिए बनाएंगे फली का, देखती हूँ उसकी सब्जी बनाऊंगी अभी जी। तो अभी तो टाइम हो गया, शाम हो गई है, देखिए थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गई है, तो पहले पूजा करना है, तो ये सब अभी रहने देती हूँ, पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जाके अरब लॉन करो, अरब को लॉन करने वाला काम दिया है तो इसको लॉन करने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, जाके पहले लॉन करो जाओ। तो चलिए पहले पूजा कर लेते, तो दोस्तों पूजा हमारी हो गई थी और चुप पूजा करके उसके बाद मैं आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में, जो सब्जी मैंने कट करके रखी थी फल्ली उसको मैं चढ़ा दिया हूँ, कढ़ाई चढ़ा के उसमें तेल डाल के जीरा डाली हूँ और थोड़े से प्याज और हरी मिर्च डाल के, और अब डाल दी हूँ हल्दी इसमें, और उसको बस सिंपल से बनाऊंगी, इसका भुजिया बनाऊंगी सिंपल से, तो थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के, अभी इसमें थोड़े से प्याज भुन जाएगा उसके बाद डाल दूंगी सब्जी, ज़्यादा नहीं पकाई हूँ प्याज के, थोड़ा सा ही पकाई हूँ, उसके बाद मैं इसमें फल्ली डाल रही हूँ और फली डाल के इसको ढक के रख दूंगी पकने के लिए, और मसाला ऊपर से मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, पहले नमक डाल के देखिए मैंने प्याज को ज़्यादा नहीं पकाया था क्योंकि साथ में पक जाएंगे, ज़्यादा नहीं थोड़े से ही पकाई थी, उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, आप अपने हिसाब से नमक डालें, और ये इसकी भुजिया बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए कितना ग्रीन सब्जी है और बहुत फायदेदार है, तो मैंने इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया हूँ और इसे नमक अच्छे से मिला देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ, इसमें पानी उनी नहीं डालूंगी, ऐसे ही बन जाता है, और उसके बाद हल्दी डाल के मिला दिया था, और जो ये मसाले सब है, ये धनिया पाउडर और लाल मिर्च जो भी मसाला आपको डालना है वो तुरंत इसमें डाल के और मिक्स कर दूंगी तो अंदर कढ़ाई में लग जाएगा, इसलिए मैं ऊपर से छिड़क देती हूँ, ऊपर से छिड़क के मैं इसको ढक देती हूँ, और थोड़ी देर में जैसे पक जाएंगे जो नमक में से पानी नमक डाला था वो पानी छोड़ देगा, उसके बाद मैं मिक्स करूँगी इसको, तो अभी तो ऐसे ही ढक दिया हूँ, तब तक मैं यहाँ मटर पनीर की तैयारी कर लेती हूँ और प्याज काट रही हूँ, तो यहाँ पे अरब आगे पीछे करता रहता है, आज संडे है मैम नहीं आई है तो आगे पीछे करता रहता है ये, तो कोई नहीं अच्छा रहता है, छोटे छोटे हेल्प भी हो जाता है, बच्चे के टाइम भी पास हो जाता है, नहीं तो बोर हो जाता है ऐसे। इसमें प्याज मैं काट रही हूँ, डाल रहा है, इसको बोल रही है यहाँ से जाओ, गर्मी लग रही है, तभी भी इसको बहुत अच्छा लगता है निधि को और इसको, और देखिए मेरी आँख में से मतलब आंसू आने को है क्योंकि प्याज काटते हैं ना, तो किसी को भी आंसू आ जाता है, तो वही थोड़ा सा आंसू जैसा लग रही थी क्योंकि जब भी प्याज काटूँ तो आँख में लगता है, और अरब को मैं बोल रही हूँ आँख में लग रहा है यहाँ से जाओ, तभी भी वो खड़े है, इसको बहुत अच्छा लगता है किचन में रहना, तो मैंने प्याज और इसमें जो मसाला होता है मटर पनीर में मैंने सारा डाल दिया है देखिए, और इसमें मटर डाल रही हूँ और ये मटर डाल भी रहा है अरब है, इसको बहुत अच्छा लगता है किचन में, तो कोई बात नहीं हेल्प कर रहा है तो और अच्छा है, कुछ कुछ सीखेगा भी, तो मैंने इसमें मसाला वसला डाल के और मटर डाल के थोड़ा सा भूनूंगी देखिए, और ये फ्रीजर मटर है तो ये वैसे ही गला रहता है थोड़ा थोड़ा, तो इसको थोड़े से पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, थोड़े से ही पकाऊंगी, तो इसको ढक दिया हूँ इस तरफ, देखिए फली भी मेरी बन चुकी है देखिए, बाद में मैं इसको अच्छे से मिला दिया हूँ, मिक्स कर दिया हूँ, जो मसाला मैंने डाली थी उसको बाद में मिक्स किया हूँ, और इस ऐसे ही निधि को भी बहुत मतलब शौक रहता है इसको भी किचन में आके मैं कोई काम करूँ, तो देखिए ये भी आ चुकी है पनीर काटने के लिए, इसको निधि को पनीर काटना बहुत पसंद है, चंचल को और निधि को ये काटने खुटने वाला काम ना बहुत पसंद है ये दोनों को, तो आ चुकी है निधि यहाँ पे पनीर काटने के लिए, कह रही है मुझे भी कुछ करना है, तो देखिए मैंने दे दिया है, मैंने बोला पनीर काटो कोई नहीं, तब तक मैं इसको ढक दिया था, और चलिए चेक कर लेते हैं, देखिए मटर हमारी थोड़े से भून गई है, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, ज़्यादा पकाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा फिर, और इसे बहुत सॉफ्ट रहता है ये फ्रीजर मटर रहता है तो बहुत सॉफ्ट रहता है, तो इसको ज़्यादा पकाने से ना एकदम टाइट हो जाता है, फिर सब्जी उसमें से छिलके निकलता है, तो आप ऐसे ही एक बार बना के देखिए, तुरंत मतलब डालने के बाद थोड़ी सी पकाना है, और अरब को यहाँ कर लेती हूँ थोड़े से पैर, मतलब अब किचन में हेल्प कर रहा है या पनीर खा रहा है, देखिए कह रहा है मेरे बॉडी
इसको पनीर बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कच्चा ही पनीर ले लेके खा रहा है, वो दिख रहे इस तरफ निधि काट रही तो कच्चा ही ले लेके खा रहे हैं। अब बॉडी दिखा रहा है, देखिए मम्मा मेरी बॉडी, मतलब मैंने पनीर खाया तो मेरी तुरंत बॉडी हो गया। बच्चे के कैसे 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 बातें रहता है। देखिए पनीर काट दिया है निधि, और उसके बाद निधि को भी बहुत पसंद है, वो भी ले लेके खा रही है। चलिए, मैंने उसमें थोड़े से भून के पानी डाल के नमक डाल के ढक दिया था और थोड़ी सी पकाई थी, और उसके बाद मैं इसमें अब डाल रही हूँ पनीर, डाल दिया हूँ। और अरब के रहा तो थोड़ा सा पनीर खाना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा निकाल दिया हूँ। और ज़्यादा कच्चा पनीर नहीं देती हूँ, कभी कभार खा लेते हैं। कच्चे पनीर खाने से कहते हैं, कोई कोई कहता है कि बहुत अच्छा होता है, और मेरा मानना है कि कच्चा खाने से मतलब बच्चे को कीड़ा उड़ा के डर है, तो थोड़ा से पका के दे, भून के, ज़्यादा नहीं थोड़ा से भी उसको पका के दे खाने के लिए बच्चे को। तो मैं कच्चा ज़्यादा नहीं खाने देती हूँ, थोड़ा बहुत ही खाने देती हूँ। और ये देखिए इसमें मसाला उसला मिलाया है, नमक मिलाया है, और दिखा रहा है, खा रहा है, कह रहा है अच्छा लग रहा है। कोई नहीं, सब्जी बनेगा तो सब्जी खाएंगे। कच्चा पनीर वैसे नहीं देना चाहिए बच्चों को। और थोड़े से मैं चावल भी बनाऊंगी, उस तरफ मैंने सब्जी में डाल दिया, सब कुछ पक रही थी, और यहाँ पे मैंने चावल धो के और रख लिए। छोटी सी कुकर में थोड़ी सी बनाऊंगी, निधि को पसंद है चावल, और यार आपको तो रोटी ही खाना होता है, तो ये इसलिए, और रात को ज़्यादा चावल पसंद नहीं किसी को, निधि खा लेती, तो मैं छोटी कुकर में बना लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा चावल भी बना लेती हूँ। देखिए सब्जी हमारी बन चुकी है, कितना अच्छा बना है सब्जी, मतलब अच्छी बनती है मटर पनीर की। और जैसे बनती है ना वैसे अरब को खाना होता है। देखिए मटर पनीर बनता है, इतना पसंद है ना इसको कि क्या बताओ, आप सबको बहुत पसंद है। तो जब भी बनता है बोलता है मुझे थोड़ा सा दे दो, दे दिया हूँ। और इस तरफ देखिए मैंने चावल चढ़ा दिया है, और मैं आटा गूंद लेती हूँ। और अब तो सब्जी बना है तो ले गया है प्लेट में कि थोड़ा सा मुझे खाना है। जैसे बनाता है ना, जब तक मैं रोटी के लिए आटा वोटा गूंदू तो वो मतलब एक कटोरा सब्जी खा लेता है, ऐसे ही बहुत पसंद है उसको, तो मैंने दे दिया। तब तक सब्जी खाएंगे, और चावल चढ़ा दिया हूँ, और रोटी बना लूँगी मैं आटा गूंद के। तो मैं आटा गूंद रही हूँ, यहाँ पे आटा गूंद लेती हूँ। आटा के जितना मसल के आप गूंदोगे ना रोटी इतना सॉफ्ट बनता है। तो मैं आटा बहुत अच्छे से मसल मसल के गूंदती हूँ, बहुत अच्छा से, और अच्छे से गूंद लेते हैं तो बहुत सॉफ्ट रोटी बनता है, फुली फुली बनता है। इसलिए मुझे बहुत अच्छे से मसलना पड़ता है, मतलब मसल लेती हूँ मैं। और इधर निधि को भी खाना था तो सब्जी, तो ये भी आ गई सब्जी लेने के लिए। अब ये भी सब्जी लेके जा रहे हैं कि मुझे भी खाना है, और सब्जी खा खा लेंगे, पानी पी लेगा तो खाना फिर थोड़ा थोड़ा से ही खाएंगे। तो दे दिया हूँ, और मैं यहाँ पे रोटी चावल बन गई है मेरी, चावल भी बन गया है। और देखिए अभी भी अरब और निधि के मतलब किचन से जाने के मन नहीं होता रहता है, जब भी मैं काम करूँ ना तभी ये दोनों का किचन में आना होता है। अब मैं रोटी बना लेती हूँ, रोटी बना रही हूँ, और अभी भी मतलब पतिदेव नहीं आए हैं, अभी आएंगे, थोड़ा लेट से ही आते हैं, तो अभी तब तक मैं रोटी वोटी बना के बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। बच्चे खा लेंगे, अगर नहीं आएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो ज़्यादा सा शाम को खाना हम साथ में ही खाते हैं, जल्दी आ जाते हैं तो सब साथ में ही खाते हैं बैठ के। तो चलिए तब तक रोटी बना लेती हूँ। अच्छा, चंचल को ज़्यादा पसंद नहीं है किचन में आना, मतलब कैमरा में आना, जब भी मैं शूट करती हूँ तो वो ज़्यादा नहीं आती रहती है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आती है। और अभी थोड़ा एग्ज़ाम चल रही है तो तैयारी कर रही है, तो इसलिए मैं जिद नहीं करती हूँ, वो अपना बैठ के अपन तैयारी कर रही है पेपर के। और ये सब तो अभी छोटे हैं, सबको तो बैठाना पड़ता है, ये सबके पढ़ने से तो पीछे छोड़ाना चाहता है कि मैं कैसे भी करके टाइम पास करूँ, पढ़ूँ नहीं। और चंचल तो अपना पढ़ लेती है। तो दोस्तों फाइनली बन चुकी है हमारा खाना, देखिए खाना बन के रेडी है यहाँ पे, और पतिदेव भी आ चुके हैं। और चलिए सबके खाना मतलब ऐसे ही लगा लगा के दे रही हूँ मैं प्लेट में। ये देखिए ये रोटी है, पापड़ और फली की भुजी बनाई थी वो, और थोड़ी सी चावल बनाई थी, और बाद में मुझे दाल भी बनाना पड़ गया क्योंकि सूखा सूखा हो गया सब्जी सब, तो दाल भी बनाई थी, और सूखा सूखा पतिदेव को पसंद नहीं है, तो सिंपल से दाल बनाई थी बिना तड़के वाली, ऐसे ही जीरा जीरा दाल बनाई थी। और ये मटर पनीर की सब्जी था, और आम अभी हमारे घर में बहुत ज़्यादा ही आम आता है, तो आम भी था, तो मैंने आम भी काट लिया है साथ में। तो चलिए दे देते हैं पतिदेव को खाना। और आप सबको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सबको वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, गुड नाइट।